तो चलिए आप सॉल्व करते हैं पार्टनरशिप के इस टॉपिक से मॉडल टू के क्वेश्चन को. क्वेश्चन यहां पर ये है कि पंकज एंड नितिन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 42,000 एंड रुपीज 57,000 रेस्पेक्टिवली, बट नितिन लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 months. Find the difference between the shares of profits of Pankaj and Nitin if the total profit at the end of the year was rupees 26,000. So question यहाँ पर ये है कि Pankaj और Nitin ने मिलकर एक business की शुरुआत की, जिसमें Pankaj ने 42,000 rupees और Nitin ने 57,000 rupees का investment किया. लेकिन 8 महीनों बाद Nitin ने इस business से अपना नाम हटा लिया. So, दोनों ने मिलकर शुरुआत की 42,000 और 57,000 के इन्वेस्टमेंट से, लेकिन 8 महीनों बाद नितिन ने इस बिजनेस से अपना नाम हटा लिया, यानी वो अब बिजनेस में नहीं है. लेकिन पंकज ने इस बिजनेस को जारी रखा. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पंकज एंड नितिन इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज रुपीज 26,000. सो हमें यहां पर पंकज और नितिन के प्रॉफिट शेयर्स के बीच में डिफरेंस पता करना है. और दिया गया यहां पर यह है कि साल के अंत में टोटल प्रॉफिट था 26,000 रुपीस. तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमने देखा इन्वेस्टमेंट्स क्लियरली दिए गए हैं, 42,000 रुपीस पंकज ने इन्वेस्ट किए और 57,000 रुपीस नितिन इन्वेस्ट किए. और टाइम पीरियड अगर हम यहां पर देखेंगे, यानी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर्स का, तो पंकज और नितिन ने मिलकर शुरुआत की, दोनों शुरू से इस बिजनेस में थे, लेकिन नितिन 8 महीनों बाद इस बिजनेस से निकल गया, यानी नितिन का इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 8 months के लिए. तो टाइम ऑफ नितिन इन्वेस्टमेंट होगा 8 months और पंकज का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 12 months. 12 months इसीलिए क्योंकि यहां पर हम टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया है. टोटल प्रॉफिट एक साल के बाद में 26,000 था, इसीलिए हम 1 year ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल पीरियड हम 1 year लेंगे. और नितिन ने शुरू से लेकर अंत तक अपना इन्वेस्टमेंट रखा, यानी उसका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 12 months और नितिन का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 8 months. तो अब इन वैल्यूज को, यानी इन्वेस्टमेंट्स और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेके हम पहले प्रॉफिट रेशियो पता कर लेते हैं. सो पंकज का प्रॉफिट रेशियो इज टू नितिन का प्रॉफिट रेशियो हम ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ पंकज. इन्वेस्टमेंट ऑफ पंकज है 42,000 इंटू टाइम ऑफ पंकज इन्वेस्टमेंट, कितना होगा 12 months, क्योंकि पंकज ने बिजनेस को बीच में नहीं छोड़ा. इज टू अब नितिन का इन्वेस्टमेंट 57,000 और टाइम ऑफ नितिन इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 8 months, क्योंकि 8 महीनों बाद नितिन ने बिजनेस को छोड़ दिया. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो जीरोस तो कैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 4 into 2 और 4 into 3, और 3 को हम फिर यहां पर ले सकते हैं 3 into 19 टाइम, राइट. रेशियो मतलब डिवीजन, सो हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कैंसिल कर रहे हैं जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं. और 2 को हम यहां पर 42 में कैंसिल कर सकते हैं 21 टाइम्स. सो फाइनल रेशियो हो जाएगा 21:19, यानी पंकज और नितिन का प्रॉफिट रेशियो होगा 21:19. मतलब ये बनता है कि अगर हम टोटल प्रॉफिट को 21 प्लस 19 हो गया 40 पार्ट्स. सो टोटल प्रॉफिट को अगर हम 40 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से 21 पार्ट्स जाएंगे पंकज को और 19 पार्ट्स जाएंगे नितिन को. तो अब हमें पंकज और नितिन के बीच में प्रॉफिट रेशियो पता है, और जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है हमें टोटल प्रॉफिट भी पता है, और इन दोनों को यूज करके हम इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. और जैसे ही हम इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे, हम प्रॉफिट्स के बीच में डिफरेंस भी निकाल सकेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, हम बिना इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर्स कैलकुलेट किए हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं वो कैसे. जैसे कि हमने देखा पंकज के पास जाएंगे 21 प्रॉफिट के इक्वल पार्ट्स और नितिन के पास जाएंगे रिमेनिंग 19 पार्ट्स. अब बिना इंडिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किए हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि पंकज के पास 21 पार्ट्स हैं और नितिन के पास 19 पार्ट्स है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 पार्ट्स. 21 - 19, 2 पार्ट्स. सो डिफरेंस हो जाएगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 21 + 19, 40 पार्ट्स. यानी हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 21 - 19, 2, वो हो गया डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट्स. लेकिन क्योंकि टोटल प्रॉफिट 40 पार्ट्स है, हम लेंगे 2/40 और जिस हम इसे टोटल प्रॉफिट 26,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2/40 हो गया 1/20 और 26,000 / 20 हो जाएगा 1300. यानी डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट्स बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 1300 रुपीस. तो जैसे कि आप सभी ने देखा, इस प्रकार से हम इंडिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किए बिना भी डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं.